मैं किसी गाने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही किसी सिनेमा के लिए आया हूँ। आज मैं लाइव आया हूँ बस सरकार से और हमारे संगीत कला से, जो हमारे तीन तीन भाई जो सांसद हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करने आया हूँ, अपने माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश चाचा जी और तेजस्वी भैया या हमारे योगी जी, जितने भी हमारे जो हिंदी भाषा के लोग हैं जो इस पद पे हैं, कि वो सरकार से बात करके, हम लोग तो एक मनोरंजन के साधन है, हाँ जहाँ तक पैसे कौड़ी की बात है, अगर हमसे मदद वहाँ चाहिए तो उसके लिए हम हमेशा आजीवन खड़े रहेंगे, जो हमारी सक्षमता है, जो हमारी संपूर्णता है, कि जहाँ से हम हैं वहाँ से हम हमेशा खड़ा उतरेंगे। लेकिन जो तमिलनाडु में हमारे भाषा हिंदी भाषा के लिए लोगों के लिए हो रहा है, तो जो हिंदुस्तान का भाषा है आज उसी हिंदुस्तान में हिंदी बोलने वालों पे इतनी बड़ी प्रतिबंध लग रही है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या हमारे यूपी बिहार के लोगों की है। तो मैं बस अपने जितने भी मेरे मनोज भैया, रवि भैया, दिनेश भैया, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग प्लीज़, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं तो इस चीज़ को आप लोग जितना चाहेंगे तो सर इस सरकार से वो सरकार बात करके और हमारी हिंदी भाषा के लोगों के लिए और अपने यूपी बिहार करके खास करके लोगों की मदद हो सकती है। हमारे नीतीश चाचा माननीय मुख्यमंत्री हैं आप और तेजस्वी भैया उप मुख्यमंत्री हैं, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग चाहेंगे तो कम से कम ये जंग जो है बंद हो जाएगी और उसका देन कहीं ना कहीं हम सभी हैं, क्योंकि अगर रोज़गार हमारे यूपी बिहार में इतनी होती तो शायद हमें दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये विषय नहीं है, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें हो ही रही है और होगी, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बहुत दयनीय है, बहुत निंदनीय है कि वो आज अपने ही देश में अपने ही लोगों के द्वारा हिंदी बोलने पे इतनी प्रतिबंध है कि आप हिंदी बोलेंगे तो शायद उसके लिए आपको मारा जाएगा, काटा जाएगा। तो मैं सबसे जो भी सरकार में उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे, क्योंकि आज आप लोगों को भी इस जनता ने ही बनाया है और यही जनता आज पीटी जा रही है, तो वो थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है कि जिसको हमने चुना आज हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो सरकार में हुई नहीं, लेकिन मेरे तरफ से जो भी मदद होगी, आप लोग बोलिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, कहाँ करूँ, मुझे पता ही नहीं है कि हाँ कैसे क्या होगा वहाँ, क्योंकि वहाँ विषय क्या है, वहाँ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो सरकार में जो है वो सरकार के लोग ही जान सकते हैं और जो कानून जानते हैं भाई, हम तो एक संगीत के आदमी है, लेकिन हम अपने शरीर से और अपने पैसे से यही मदद कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ करें वो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग को लगता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि कैसे हमें मदद करना चाहिए, क्योंकि वहाँ अपना हमारा कोई नहीं है, वहाँ मेरा कोई इससे बात नहीं होती है, मैं सरकार में सरकार के हिसाब से मैं हूँ नहीं, मैं एक गायक हूँ या मैं एक एक्टर हूँ, तो एक एक्टर के तौर पर मेरी पहुँच जो है वो संगीत तक ही है। और हाँ, बिहार में चीज़ें होती, यूपी में होती तो मैं समझ सकता था कि वहाँ पर मेरे अपने लोग हैं और वहाँ मैं अपनी चीज़ों को पहुँचा सकता था, लोगों का हेल्प कर सकता था, इनकेस की दिल्ली तक, दिल्ली कलकत्ता, यहाँ भी लोग हमारे अपने हैं, मुंबई हैं, तो जहाँ पे हैं वहाँ पे हम सक्षम हैं, जब वहाँ पे किसी की मदद मुझे नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे मेरे लोग नहीं हैं, जहाँ पे हम कभी गए नहीं, तो तमिलनाडु में जो भी चीज़ें हो रही है, मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने बिहार सरकार से, यूपी के सरकार से, कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा आगे आकर अब उन भाइयों का रक्षा प्लीज़ आप सब करिए, और हमसे भी जो हो सकता है आप हमें गाइड करिए, हम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें भी बनाया और आप सबको भी बनाया, ये सरकार अगर बनी है, चाहे वो यूपी की सरकार हो या बिहार की हो, ये कहीं ना कहीं हमारी जनता के बदौलत बनी है, उन्होंने आप सबको चुना और आज वही पीटे जा रहे हैं और अपने ही देश में पीटे जा रहे हैं। तो इस पे मुझे लगता है कि ये संगीत से और एक इंसानियत से बढ़ की चीज़ है, कि हमें लगता है कि एक इंसान होने के नाते हम सबको आगे आकर और इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए और जो भी प्रॉब्लम में है उनका हेल्प करना चाहिए। तो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे बड़े भाई तेजस्वी जी, चाचा नीतीश जी, माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी बाबा, और अपने बड़े भाई मनोज भैया, दिनेश भैया, रवि भैया, क्योंकि आप लोग सरकार में हैं तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग मदद करिए अपने इस भाषा के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, जिन्होंने आप सबको बनाया, हम सबको बनाया, इन्होंने हमें एक दायित्व दिया है, उस जगह पे पहुंचाया है, तो इनका बहुत बड़ा योगदान और इनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसे हम आज जो भी हैं इनके बदौलत हैं। और हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम किसी एक घर का गार्जियन की तरह, अपने बेटे की तरह, जिन्होंने हमें बनाया है, हमें अपना इतना बड़ा साम्राज्य दिया है अपने भाषा के लिए, तो हमें प्लीज़ हमें करना चाहिए, हम सबको आगे आकर इस विषय पे अगर हम छोटी छोटी प्रयास करेंगे तो शायद ये चीज़ें बच जाएगी और हमारे भाई सुरक्षित हो जाएंगे। तो ये आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है कि हम सबको आवाज़ उठाना चाहिए।